एसेंट बी का 1500D, ये इसका बेस कंट्रोल रिमोट एसेंट बी का, ये भी इंस्टॉल करना रह गया। ये पायनियर के D4, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में ये एस एंड बी का क्लास डी मोनो एम्पलीफायर है 1500.1D, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और टेस्टिंग भी करके देखेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को। ये एम्पलीफायर है और बॉक्स के अंदर हमें एक रिमोट मिलता है बेस कंट्रोलर और एक केबल, बाकी मैनुअल इसके अंदर कोई मेरा निकला नहीं है, यूजर मैनुअल। ये एम्पलीफायर है और काफ़ी अच्छा इसका वेट है। प्रोटेक्शन पावर गेन LPF सबसोनिक बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी और बेस बूस्ट 0 to 12 dB। ये इसके टर्मिनल्स हैं। कंपनी क्लेम करती है 1 ohm पर 1500 RMS ये देगा, तो हम इसको दो पायनियर के D4 के साथ यूज करेंगे, तो देखते हैं कैसा इसको रिस्पॉन्स देता है। ये 1 ohm पर 1500 RMS और मैनुअल नहीं निकला है, इस वजह से 2 ohm और 4 ohm की इसकी डिटेल्स नहीं पता लग पा रही मेरे को भी। बाकी हमें 1 ohm पर इसको यूज़ करना है और दो पायनियर के D4 चलाने हैं, तो लगभग 800 RMS की हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 ohm पर। देखते हैं चलाकर इसको कैसा इसका रिस्पॉन्स निकल के आता है। फ्रेंड्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आई है इसकी 800 RMS पर 1 ohm पर, और मैंने 50% भी गेन नहीं खोला था, एम्पलीफायर को हीट भी नहीं हुआ, आधे घंटे लगातार इसको चलाया हमने, और 1 ohm पर 800 RMS इसके लिए कुछ भी नहीं है। 1400 RMS तक भी शायद ये मेरे हिसाब से दे देगा। बाकी हम इससे और भी चला के देखेंगे, मैं वीडियो आगे डालता रहूँगा, इससे 1000 RMS का सिंगल सबवूफर चला के देखेंगे 1 ohm पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको एम्प चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एम्पलीफायर आपको प्रोवाइड करा दूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।